गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स माई नेम इज रूपेश शर्मा, आई टीच इन PPSB MIC नानक मत्ता। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से रिलेटिव वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप फर्स्ट और चैप्टर और सेकंड चैप्टर को अलग अलग ना माने, एक ही चैप्टर को माने, क्योंकि पहले चैप्टर में इससे भी फंडामेंटल्स है, और फंडामेंटल का मतलब है आपको जनरल मूलभूत अवधारणाएँ हैं जो आपको हर चैप्टर के अंदर इंक्लूड करके चलना है आपको। तो पहले और दूसरे से रिलेटेड मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ उसको ध्यान से समझें और उसके नोट्स बनाएं। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सांद्रता ज्ञात करने की दूसरे मेथड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उस दूसरे मेथड का नाम है मोललता। अब मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, और मोललता और मोलरता में सिर्फ इतना अंतर होता है, मोलरता में आयतन लीटर के बारे में बात करते हैं, इसमें अगर विलेय के मोलों को मोलरता में विलेय के मोलों को घोला जाता है वो आयतन में घोला जाता है, लीटर में मिलीलीटर में घोला जाता है, लेकिन यहाँ पर विलेय के मोलों को 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है। अगर हम इसको बोल सकते हैं 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, एक किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं इसके फार्मूले की, तो हम लिखेंगे स्मॉल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलाय की मात्रा यहां पर हमने लिख दिया किलोग्राम, यानी किलोग्राम में मोल को बोलते हैं। 1 किलोग्राम में, जैसे माना 1 किलोग्राम आपने कोई चीज ली और उसमें 1 मोल अगर आपने डिसॉल्व कर दी तो आप वहां पर क्या बोलेंगे, मोललता बोलेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें पता है कि मोल क्या होता है, मोल का मतलब होता है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, इनटू विलाय की मात्रा। तो विलाय की मात्रा के लिए मैंने यहां लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में विलाय, और यहां लिख दिया मात्रा सीधे किलोग्राम। मैंने आपको बताया था मात्रा माने डब्लू, अब डब्लू कौन सा, विलेय का, विलेय माने क्या, छोटा, तो यार छोटा डब्लू, स्मॉल डब्लू, अणुभार एम, तो ये एम दोनों एक जैसे हो जाएंगे इसलिए इसको एम डैश कर देंगे, और विलाय की मात्रा, विलाय माने बड़ा होता है तो कैपिटल डब्लू, और ये हो गया किलोग्राम। तो ये फार्मूला ये बन जाता है मोललता। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, और अगर यहाँ पर किलोग्राम की जगह ग्राम ले लिया तो फार्मूला हमारे पास बनेगा एम स्मॉल डब्लू एम डैश इंटू कैपिटल डब्लू ग्राम में कर लिया, ऊपर आ जाएगा 1000। इस तरह के दो फार्मूले बनते हैं मोललता। फिर से सुने, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। जैसे एक पात्र है, एक पात्र में 1 किलोग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम कोई जल कोई भी चीज ले सकते हैं, उसमें अगर हम मोल को घोल दें, 1 मोल को डिसॉल्व कर दें तो वो वहां पर सांद्रता तो कहलाएगी, लेकिन सांद्रता में क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। अब
ये जानते हैं फार्मर एम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम बराबर था विलेय के मोलों की संख्या बटे विलाय की मात्रा किलोग्राम। अब मोल बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुमान। अब विलाय की मात्रा हमने क्या किलोग्राम में लिख दिया। अब हमें पता है कि विलेय माने कम होता है, मात्रा माने डब्लू, स्मॉल डब्लू, अणुमान माने एम एम डैश, और विलाय की मात्रा माने क्या होता है कैपिटल डब्लू, इसमें आएगा किलोग्राम। तो किलोग्राम में जब क्या आएगा तो हम इस तरह का फार्मूला इसको बनाएंगे, और अगर ये ग्राम में हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम और भी इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। देखिए इस पर मैं एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, ग्राम जल में 10 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज माने चीनी, 50 ग्राम जल में 10 ग्राम सुक्रोज घोलने पर विलयन की ज्ञात कीजिए। तो आपको 50 ग्राम यहां दिख रहा है, 10 ग्राम ये दिख रहा है, और इसके बाद आपको क्या दिख रहा है मोलर का फाइंड आउट करना है। स्मॉल एम आपको निकालना है, कैपिटल डब्ल्यू दे रहा है 50 ग्राम और स्मॉल डब्ल्यू आपको दे रहा है 10 ग्राम। लेकिन मैंने आपको बताया मोलरता हो चाहे मोलरता हो निकालना आपको अणु भार ही है। तो हमने चीनी C12H22O11 इसका अणु भार निकाला, 12 × 12 परमाणु भार 12 × 12 22 × 1 +11 × 16 जब हम इसको सॉल्व करेंगे 342 आएगा। अब हमें सॉल्व करना है m बराबर स्मॉल डब्ल्यू इन अपॉन ये भेजा लगा दे क्योंकि ग्राम लगाना है एम डैश इंटू कैलकुलेटर। अब यहां पर m स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रहा है 10, ये कितना हो गया 1000, अड़ोवर कितना है 342 और ये कितना है कैपिटल 50, 10 × 50 5 × 10 = 200 कितना है 200 / 342 और 342 को इससे डिवाइडेशन किया 0.18 तो 342 सिक्सा कितना होगा 18 दो आसरे 19 बावन ये कितना बार गया 6 बार। तो हम ये कह सकते हैं आगे भी हम लिख सकते हैं 0.6 m इसका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मोलरता भी सांद्रता है, मोललता भी सांद्रता है। जो मोलरता होती है वो आयतन पर डिपेंड होती है और जो मोललता होती है वो किस पर डिपेंड होती है विलायक की मात्रा पर डिपेंड होती है, यानी किलोग्राम या ग्राम। थैंक यू, दैट्स ऑल।